अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह के प्रश्नों का कैसे हल करें यह समझने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा? तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। 48 को हमने एक संख्या से गुणा किया, ठीक है। चलिए संख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बराबर किसके हैं? 173 और 240 के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर आपका ज्ञात करना क्या है, यह संख्या ज्ञात करना है। यह जो 48 इसके गुणा में है, इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये गुणा से किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब यह 24 से कितनी बार कटता है? 10 बार। यह 24 से कितनी बार कटता है? 2 बार। 2 से 10 कितनी बार कटता है? 5 बार। 5 का हमने 173 के साथ गुणा कर दिया, 5 3 15, एक किरे चला गया 35 और एक 36, 3 किरे आ गया 5 3 8। तो इस प्रकार से ये आपका है जो हमें उत्तर मिल जाता है। ओके, आसान है।